सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वर्दे खान साहब, क्या लेंगे? वेज बिरयानी, रोस्टेड पापड़, दाल फ्राई ना, वही रोज वाला। हाँ, अभी लाता हूँ। Thank you.
कमाल के आदमी है खान साहब, बरसों से देख रहा हूँ मगर उसके रूटीन में रत्ती भर का फर्क नहीं है। गूंगे हैं बेचारे, बोल भी तो नहीं सकते, लेकिन निहायत शरीफ आदमी। चारे खान साहब लेकिन निहायत शरीफ। खान साहब, 11 साल के बाद आपकी आजादी का वक्त आ गया। 11 साल के बाद आप ये शहर, ये मुल्क छोड़कर दूर कहीं उड़ जाएंगे। 11 साल के बाद इस बनावटी जिंदगी से निजात मिलेगी आपको, कैसी लगेगी? Why do you want my license? To present taking me. Do you have any objection? No. तो तुम्हें एक और तस्वीर निकालनी पड़ेगी बिना दाढ़ी के। कमान
तो तेलुगु भाषा है। ये दो बच्चे कौन हो सकते हैं? हमने तो उन्हें दादी में ही देखा है। मिस चंद्रा, आप इस फ्लैट में कब से रह रही हैं? करीबन 10-11 साल से। ये मिस्टर खान आपके पड़ोसी कितने सालों से हैं? वो भी तकरीबन 11 साल से। कितना जानती हैं आप मिस्टर खान के बारे में? वो बड़े शांत स्वभाव के आदमी थे, पड़ोसियों से घुलते मिलते नहीं थे, बस अपने काम से काम रखते थे। उनसे मिलने जुलने कैसे लोग आते थे मिस्टर चंद्रा? हमने तो कभी किसी को आते जाते देखा नहीं, बल्कि दिन में तो वो घर में ही रहते थे। और रात को? हाँ, रात को तो बाहर आते जाते थे, लेकिन बात करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो गूंगे थे। लेकिन मिस चंद्रा, आपने तो कहा था कि आपने मिस्टर खान के चीखने की आवाजें सुनी थी। नहीं नहीं कहकर कुछ चीख रहे थे वो। यू आर राइट इंस्पेक्टर, इसका मतलब है कि खान मोहम्मद गूंगे नहीं थे, और हमें अब पता चला है कि उनकी दाढ़ी भी नकली थी। ओ माय गॉड, मतलब ये हुआ मिस चंद्रा कि कुल मिला के हम मरहूम खान के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस ने क्या पूछा तुमसे? खान मोहम्मद के बारे में सब कुछ। और तुमने क्या बताया? खान मोहम्मद के बारे में सब कुछ। अरे वो ही बताया है जो इस बिल्डिंग में सबको पता है। सर, इसमें उस फोटोग्राफ की लाश कॉपी है जो आपको खान मोहम्मद कैसे मिला था। हैप्पी बर्थडे खान। क्या सोच रहे सर? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज 25-30 साल के बाद ये बच्चे कैसे दिखते होंगे। से चर्च गेट। चंद्रा, गुड जॉब, ग्रेट जॉब। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीनिवास। जो चाकू तुम्हारे पास से बरामद हुआ उस पे खान मोहम्मद का खून था। कौन खान मोहम्मद? वही खान मोहम्मद
जिसका कल रात खून हुआ है और वो खून तुमने किया, तुमने किया है ना? बताओ। हाँ वो खून मैंने किया, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर सकते हो। साबित तो मैं कर लूंगा। ये बता कि तूने खान का खून क्यों किया? मुझे ओगलवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। मेरा वकील नहीं आएगा तब तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वो शाना समझता अपने आप को। अच्छा ये बता कि वो आदमी कौन था जो उस दिन तेरे साथ था? मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानता है? तूने जब चाकू उठाया वो आदमी तेरे साथ था। कौन था वो आदमी? जिस तरह तुम अचानक आए थे उस तरह वो भी अचानक आ गया। हाँ हाँ हवलदार अंदर बिठाओ इसको। खान मोहम्मद के कत्ल और श्रीनिवासन इन दोनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। वैसे इंस्पेक्टर जिस आदमी का कत्ल हुआ है वो खान मोहम्मद नहीं रविकांत नायर था। हालांकि पुलिस के नजरों में रविकांत नायर को मारे 11 साल हो चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? पीएल एन राजू डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पीएल एन राजू क्राइम ब्रांच विशाखापट्टनम। प्लीज टू मीट यू मिस्टर राजू। माय प्लेजर। एक काम करते हैं ऊपर रिलैक्स रूम में बैठते हैं, एड्रेस भी चेंज करके आता हूं। प्लीज श्रीवास्तव सर विशाखापट्टनम क्राइम ब्रांच में फोन करके पूछो कि वहां से कोई पीएलएन राजू इंस्पेक्टर बॉम्बे भेजे गए या नहीं। श्योर सर। ओके श्योर। नाउ सर मैंने पता कर लिया है विशाखापट्टनम से मिस्टर पीएलएन राजू को मुंबई भेजा गया है। आई एम सॉरी मिस्टर राजू आपको इतना इंतजार करवाया मैंने। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा ये बताइए कि आपका इस केस से क्या कनेक्शन? पिछले 6 महीनों से मैं रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद की तलाश में था जी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैंने उसे ट्रेस कर लिया उसी दिन उसका कत्ल हो गया। लेकिन आपको ये मिस्टर खान मोहम्मद की तलाश क्यों है? प्लीज सिट डाउन। 1980s में विशाखापट्टनम ड्रग स्मगलर्स का मेन सेंटर था। सालों से वहां एक बहुत बड़ा रैकेट ऑपरेट हुआ करता था। फिर एक दिन पुलिस ने इस रैकेट को थैंक यू इनके बॉस रविकांत नायर के साथ अरेस्ट कर दिया। हाँ मैंने अखबारों में पढ़ा था। रविकांत नायर को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जहां तक मुझे याद है दिल का दौरा पड़ने से यह आदमी जेल में जाने से पहले ही मर गया था। That's right. और उसके बाद ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन फिर ये केस रीओपन क्यों किया गया? रविकांत नायर अनाथ था, उसने शादी भी नहीं की थी, लिहाजा उसका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उस वक्त ये केस हैंडल किया था उन्होंने डिपार्टमेंट का ध्यान इस बात की तरफ मोड़ा कि रविकांत नायर अपने पीछे करोड़ों की दौलत छोड़ गया होगा। इस दौलत का क्या हुआ? भाई आखिर किसी ना किसी के पास तो ये दौलत गई होगी। यही पता लगाने 6 महीने पहले ये केस मेरे पास आया था। किसी नतीजे पे पहुंचे हैं आप? बहुत चौंकाने वाले नतीजे तक। जैसे रविकांत नायर मरा ही नहीं था, उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था। I see.
इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत मैं मुंबई पहुंचा और यहां आके पता चला कि रविकांत नायर पहचान बदलकर खान मोहम्मद के नाम से जिंदगी बिता रहा है। लेकिन ये श्रीनिवासन कौन है? श्रीनिवासन रविकांत नायर की गैंग का एक मेंबर था। जाहिर है वो उसके तलाश में यहां पहुंचा और फिर उसका कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के पीछे श्रीनिवासन का मोटिव क्या हो सकता है? खान मोहम्मद की दौलत और क्या, लेकिन मुझे यकीन है उसे ये दौलत नहीं मिली, वरना वो चाकू लेने वापस नहीं आता था। दौलत लेकर अब तक फरार हो चुका हूं। Maybe you're right. इंस्पेक्टर रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद का मर्डरर मिस्टर श्रीनिवासन हमारे कब्जे में है, लेकिन अब हमें वो दौलत ढूंढनी है जो शायद श्रीनिवासन को मिली नहीं। Yes, that is our main aim now. और वो दौलत कहां हो सकती है? वैसे मिस्टर भारत, मुझे कुछ लोगों पर थोड़ा बहुत शक तो है। That's great. ऐसा क्यों नहीं करते हम कि ये केस आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि जिस किसी के पास भी दौलत है वो यकीनन ये जानता है कि ये केस मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, लेकिन आपके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। That's right. In any case, हमारी पूरी फोर्स 24 घंटे आपके लिए तैनात रहेगी, एट योर डिस्पोजल। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। चाहता हूं, मैं आपके बाजू वाला फ्लैट किराए पे ले रहा हूं और बिल्डिंग और सोसाइटी के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, अगर आपको एतराज ना हो तो। आइए आइए। थैंक यू, आइए प्लीज कम। मैं मिसेस चंद्रा हूं, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर चंद्रा हैं। जी नमस्ते, मैं आपका होने वाला पड़ोसी। चाय? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। बैठिए। श्योर, थैंक यू। यहाँ पानी तो 24 घंटे आता है ना? जी नहीं, सिर्फ 2 घंटे। ओहो, यानी कि स्टोर करना पड़ेगा। जी हाँ। बारिश के मौसम में यहाँ लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। जी, ये फ्लैट आपका खुद का है? जी नहीं, किराए का है। आई सी। वैसे यहाँ का सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है? सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बल्कि ये कहिए कि सारा एरिया ही सेफ है। आई सी। अच्छा, कौन रहते थे बाजू वाले फ्लैट में पहले? खान मोहम्मद। शिफ्ट हो गए? नहीं, उनका वो मर्डर हो गया। क्या मर्डर? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि एरिया सेफ है। घर में ही हुआ था उनका मर्डर? हाँ, बट वो क्या है कि बाय द वे मिस्टर चंद्रा, आप विशाखापट्टनम से मुंबई कब शिफ्ट हो गए? हाँ, याद आया, वॉल्टेयर स्टेशन के बिल्कुल सामने रहते थे आप, रीजेंसी हाउस फ्लैट नंबर 204, राइट मिसेस चंद्रा? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और खान मोहम्मद विशाखापट्टनम से मुंबई कब शिफ्ट हुए? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप समझ कर भी ना समझने की एक्टिंग कर रही है। रामचंद्रन है ना आपका असली नाम? रामचंद्रन से
एके चंद्रा कब हो गए? अब क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मिस्टर रामचंद्रन कि आप दोनों रविकांत नायर उर्फ खान मोहम्मद के लिए काम करते थे। हाँ, हम रविकांत नायर के लिए काम करते थे। इनकी जिंदगी उन्हीं की दीवी है। बरसों पहले ये बहुत बीमार हो गए थे। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। रविकांत नायर ने लाखों रुपए खर्चे और इनका इलाज करवाया। अजीब, लेकिन रविकांत नायर आप लोगों को अपने साथ मुंबई क्यों ले आया? वो देश छोड़ना चाहते थे और इस काम में हम उनकी मदद कर रहे थे। पिछले 11 सालों से? हाँ, पहले केस ठंडा पड़ने तक इंतजार करना पड़ा, फिर नकली पासपोर्ट बनवाने में काफी वक्त लग गया, फिर करोड़ों रुपयों को डॉलर में एक्सचेंज करने का बहुत वक्त लग गया। आखिर जब सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगली सुबह वो देश छोड़कर जाने ही वाले थे, उसी रात उनका मर्डर हो गया। तो अब वो डॉलर्स कहाँ हैं? पहले ये बताइए कि आप हो कौन? PLN राजू, डिटेक्टिव PLN राजू, क्राइम ब्रांच, विशाखापट्टनम। वो डॉलर्स का है? हमारे पास वो डॉलर का बैग सुबह यहीं से लेकर जाने वाले थे, पर अब उनकी मौत के बाद डॉलर्स का क्या होना है ये पुलिस तय करेगी। बैग। लेकिन ये केस तो इंस्पेक्टर भारत इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, हम डॉलर्स उन्हीं को देंगे। इंस्पेक्टर भारत ने इस केस को मेरे चार्ज में सौंप दिया है। One minute. God. वो बच्चा खान मोहम्मद। यह इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, राजू बोल रहा हूं, एक मिनट यहां बात कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाँ जी, मैं मिसेस चंद्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ कोई इंस्पेक्टर राजू आए हैं? हाँ मिसेस चंद्रा, मैंने उन्हें भेजा, ये केस आपसे वही हैंडल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। हो गई तसल्ली, अब वो डॉलर्स दीजिए प्लीज। Now remember, रविकांत नायर का मर्डर इस दौलत की वजह से हुआ था। श्रीनिवासन, आप लोगों का पुराना साथी तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें इस दौलत की तलाश हो, इसलिए आप लोगों की जिंदगी को खतरा है और शायद आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंस्पेक्टर आप कुछ कीजिए ना। ये रहा आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, कोई भी खतरा महसूस हो तो किसी भी पुलिस स्टेशन में यह दे दीजिएगा, पुलिस आपकी पूरी हिफाजत करेगी। बी केयरफुल। God.
इंस्पेक्टर आप? वो पीएलएन राजू कहाँ है? वो तो डॉलर की बैग लेके चले गए। What? डॉलर्स यानी वो रविकांत नायर की दौलत आप लोगों के पास थी? जी। ये एनवेलप हमें दे दिया कि पुलिस को दिखाएंगे तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। आइंदा अगर कोई तुमसे कहे कि वो पीएलएन राजू है, इंस्पेक्टर फ्रॉम क्राइम ब्रांच विशाखापट्टनम, तो उस पर यकीन मत करना, ना ही नायर की दौलत तलाशने की कोशिश करना। मैं एक आखिरी सलाह देता हूँ, मेरी तलाश फिजूल है क्योंकि गायब होने में मैं रविकांत नायर और खान मोहम्मद से ज्यादा बड़ा उस्ताद हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला, पीएलएन राजू शहर छोड़ के भाग रहा है। गाड़ी का नंबर क्या है? उसकी गाड़ी का नंबर APM 2914। ओके श्रीवास्तव, तुम वहीं रुकना, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके ओवर एंड आउट। जाओ कांत। कांत? कौन कांत? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कांत उर्फ रविकांत नायर। रविकांत नायर तो खान मोहम्मद था। विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर मौजूद है। वो तस्वीर झूठी थी, असली तस्वीर ये। ये किसकी तस्वीर है? खान मोहम्मद और आपकी। मेरा खान मोहम्मद से क्या ताल्लुक था? राव से तो था। कांत, इस तस्वीर में जो केक काट रहा है ये बच्चा, उसके बगल में राव उर्फ खान मोहम्मद, और पीछे ये तेलुगु में लिखा है टू माय डियर फ्रेंड राव फ्रॉम कांत। इसे आप साबित क्या करना चाहते? कुछ खास नहीं, साबित सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में हमने पता लगाया है ये बच्चे आज 25 साल के बाद कैसे लगते होंगे। राव जिसकी शक्ल हूबहू खान से मिलती है, और ये कांत जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है, यानी तुम ही रविकांत नायर हो। बस नाटक बंद। तुमने राव को रविकांत नायर बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, और पुलिस ने उसे रविकांत नायर समझकर गिरफ्तार भी किया, क्योंकि तुम इस मौके का फायदा उठाकर वो दौलत अकेले हथिया देना चाहते हो। लेकिन राव तुमसे ज्यादा चालाक निकला, उसने पुलिस के सामने मौत का नाटक किया और तुमसे पहले वो दौलत लेकर फरार हो गया। तुम उसकी तलाश में आए, लेकिन इस बार भी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा ही आदमी श्रीनिवासन तुमसे पहले वहां पहुंच गया और खान मोहम्मद का खून कर दिया उसने। और अब मैं तुम्हें ड्रग स्मगलिंग
और पीएलएन राजू के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। पीएलएन राजू? कौन पीएलएन राजू? वही पीएलएन राजू जिसे विशाखापट्टनम क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ भेजा था और तुमने जिसका कत्ल किया और उसका भेस बनाकर यहाँ घूम रहे हो। एंड बाय द वे, हमें इंस्पेक्टर पीएलएन राजू की बॉडी समंदर से मिल चुकी है। बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हो इंस्पेक्टर, आपके प्रमोशन के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी। सिफारिश तो मैं अभी आपकी करूंगा, फांसी के फंदे के लिए। बाय द वे, ये बताइए कि आपके पास इसमें माल कितना है बैग में? चलिए इंस्पेक्टर, ये माल आप ही का है। नहीं, कोई गोली चलाएगा। मिला के ये कितनी दौलत होगी कान? $5 million, 22 crore rupees। 11 साल तुम इस दौलत की तलाश में भटकते रहे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूं। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, जितनी दौलत समेट सको समेट लो। मैं सच कह रहा हूं कान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस सर, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। हवलदार, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। ऐशो आराम की जिस जिंदगी के लिए इंसान सारी उम्र दौलत के पीछे भागता है, वही दौलत कभी कभी उससे उसकी जिंदगी छीन भी लेती है।